यहाँ पे आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 50 ऐसे बुक्स जो आपको पढ़ने चाहिए लाइफ के अंदर एक बार तो। और ऑफ कोर्स वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, अराउंड एक घंटे का। सो मैंने क्या किया है, यहाँ पे टाइम लैप्स दिए हैं, सो उसको फॉलो कर सकते हैं और जान सकते हैं कि यार कौन सी बुक्स हैं। फॉर एग्जांपल फाइनेंस की होगी, सेल्फ हेल्प बुक होगी, हैबिट्स की बुक होगी, स्टोरी टेलिंग वाली बुक हैं, एंड मेरी कुछ रिकमेंडेशन है जो आपको वीडियो के एंड के अंदर पता चल जाएगा। सो सारी की सारी कैटेगरीज यहाँ पर मिल जाएगी, सो जो भी पसंद आती है वहाँ पर आप जा सकते हो और देखना शुरू कर सकते हैं। सो जंप कर लेते हैं कुछ 50 बुक की तरफ जो आपको पढ़नी चाहिए लाइफ के अंदर एक बार तो। सो लेट्स बिगिन दिस वन, शैल वी। यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइनेंस की बुक के बारे में, या फिर आप बोल सकते हैं मनी मैनेजमेंट या फिर मैनेजमेंट, वो सारे के सारे बुक्स। उसके बाद जंप करते हैं दूसरे कुछ बुक्स की तरफ। सो सबसे पहले सबको पता है कौन सी बुक होगी, ऑफकोर्स रिच डैड एंड पुअर डैड। और ये बुक आपको सिखाएगी, पैसे का पूरा ज्ञान देगी आपको। फॉर एग्जाम्पल पैसे को कैसे सेव करना है और वो सेव किए हुए पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, वो सब कुछ ये बुक आपको सिखाएगी। और स्टोरी भी है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है, पढ़ते समय आपको बोर फील नहीं होगा। और यहाँ पर मैं कुछ पेज यहाँ पर शेयर कर दूँगा अगर हो सकेगा तो, जो मैंने यहाँ पर टिक मार्क किए थे या फिर बुक मार्क किए थे, सो कुछ आइडिया हो जाएगा इस बुक के बारे में अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो। सो पढ़ लेना। अगर आपको पैसे की बचत करनी है, इन्वेस्ट करना है, या फिर आपको जानना है कि यार पैसे क्या होता है, लाइक कैसे इन्वेस्ट करना है, वो सब कुछ, सो आई थिंक मस्ट रीड, पढ़ लेना अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो। यहाँ पे सेकंड बुक है ऑफकोर्स ये वाले जिसका नाम है नवाल रविकांत। ये बुक आपको सिखाएगी वेल्थ के बारे में, कि हर कोई इंसान रिच बन सकता है, करोड़पति बन सकता है, लखपति बन सकता है, बट वो कैसे बन सकता है वो आपको इस बुक के अंदर देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सस्ती बुक है और मेरे हिसाब से पढ़ते समय आपको बोर फील नहीं होगा, बिकॉज ऑफ ये लिखी ही कुछ इस तरह से गई है। सो मेरे हिसाब से आपको बोर नहीं फील होगा और कुछ नया निकल के आएगा। लाइक हर एक चैप्टर के अंदर, हर एक पेज के अंदर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या। सो पढ़ सकते हैं, पैसे के बारे में है, लाइफ स्टाइल के बारे में है, विजडम के बारे में है, एंड समझना नवल रविकांत के थॉट्स को जो आपको इस बुक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। एंड मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूँ कि यार नवल रविकांत का एक पॉडकास्ट है यूट्यूब के अंदर जो रोगन की चैनल पे, सो वो सुन लेना। आई थिंक काफ़ी कुछ सीखेंगे वो पॉडकास्ट को देखने के बाद भी, जो ऑफकोर्स यूट्यूब के अंदर है, फ्री के अंदर है, इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। सो अगर आपको नहीं पढ़नी है तो वो देख लेना, अगर पढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी कुछ सीखेंगे वेल्थ के बारे में और लाइफस्टाइल के बारे में, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। सो पढ़ सकते हैं ये भी। यहाँ पे तीसरे नंबर की बुक है ये वाली जिसका नाम है 0 to 1 बाय पीटर थेल। नाम सुना होगा मेरे हिसाब से आपने बुक का, और अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना, बिकॉज अब ये बुक आपको सिखाएगी बिजनेस के बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में, क्या बिजनेस कैसे खड़ा करना है, यहाँ से यहाँ तक कैसे लेके जाना है, फेलियर्स से कैसे डील करना है, वो सब कुछ ऑथर ने इस बुक के अंदर बताया है। और मैं एक पॉइंट बताऊँ इस बुक का, तो ऑथर आपको ये बोलना चाहते हैं कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं आप, तो उस बिजनेस के अंदर आप मोनोपोली बना लो। वो कैसे बना ली है इस बुक के अंदर आपको देखने मिल जाएगा। लाइक यू नो मोनोपोली होगी तो जो भी लोग होंगे वो आपके बिजनेस के अंदर ही आएंगे, जो चीज़ें बाय करनी है, जो भी करना है वो आपसे ही होगी, बिकॉज आपके पास ही है वो बिजनेस, किसी और के पास नहीं है। मोनोपोली जैसे कि रेलवे की है, जैसे कि कोल की है, जो कोल इंडिया का है वो है, या फिर अभी जियो की बात कर ले तो मोनोपोली वही है, सो वो हो सकता है। सो पढ़ लेना अगर आपको बिजनेस का इंसाइट चाहिए या फिर स्टार्टअप स्टार्ट करना था, जो भी करना था, ये बुक आपको सिखाएगी बिजनेस कैसे रन करना है उसके बारे में। यहाँ पे चौथे नंबर की बुक है ऑफकोर्स ये वाले जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। और ये बुक क्या है, ऑफकोर्स पैसे के बारे में है, नाम ही देख लो यार, साइकोलॉजी ऑफ मनी। सो अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक है और ये मैंने पढ़ी है 2021 के अंदर, और ये बुक ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है पैसे के बारे में, पैसे को कैसे कंट्रोल करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है। बिकॉज अब कई बार हम नया स्मार्टफोन बाय कर लेते हैं और उसको देखने के बाद खुश हो जाते हैं, अगर हमने कुछ नई बुक्स बाय कर ली उसके बाद हम खुश हो जाते हैं। सो कैसे चीज़ों के थ्रू आपको खुश नहीं होना है, पैसा अच्छी बात है बट पैसा ही सब कुछ नहीं है, वो आपको ये बुक सिखाएगी। आई थिंक मैंने सिर्फ छोटा ही बताया है, आप पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ सीखेंगे, काफ़ी कुछ नया निकल के आएगा। सो पढ़ लेना अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो, द साइकोलॉजी ऑफ मनी।
यहाँ पे जो पांचवें नंबर की बुक है ना, वो हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए, बिकॉज ऑफ ये आपको सिखाएगी मैनेजमेंट के बारे में। वो हो सकता है टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, या फिर बिजनेस खड़ा करना है उसके अंदर आपको दूसरा कुछ करना है, तो वो सिखाएगी आपको ये बुक रिवर्क। आई थिंक अगर आप वो इंसान हैं जो बिज़नेस खड़ा करना चाहते हैं और कुछ भी डाउट है कि यार मैं वो कैसे करूँगा, पैसे को कैसे इकट्ठा करूँगा, इन्वेस्टर्स को कैसे मनाऊँगा, तो आप इस बुक को पढ़ लेना। कुछ आंसर्स आपको ये बुक देगी और कुछ आइडिया हो जाएगा कि यार आपको बिज़नेस करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए, अगर करेगा तो कैसे करना है, उसके अंदर आपको कैसे यहाँ से यहाँ तक लेकर जाना है, वो सब कुछ ये बुक सिखाएगी। और ये बुक को हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए। लाइक अगर आपकी उम्र 15 साल है, 18 साल है, 20 साल है, बेस्ट अभी कभी पढ़ डालो। काफ़ी कुछ नया सिखाएगी लाइफ के बारे में, बिजनेस के बारे में, और जब आप बड़े होंगे तो क्या क्या होगा आपके साथ, वो सब कुछ पढ़ लेना। आई थिंक काफ़ी कुछ सीखेंगे, नहीं पढ़िए तो रिवर्क बाय जॉर्डन फ्लूड एंड दूसरे भी ऑथर है, पढ़ लेना अगर नहीं पढ़िए तो। यहाँ पर जो सिक्स्थ नंबर की बुक है वो आपको सिखाएगी टाइम मैनेजमेंट के बारे में। ऑफ कोर्स कौन सी है, ये वाली जिसका नाम है द 4 आवर वर्क वीक, ए टू जेड है। लाइक टाइम को कैसे मैनेज करना है और कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे करना है, वो सब कुछ यहाँ पे इस बुक के अंदर मिल जाएगा। कुछ टिप्स दी है ऑथर ने उनकी भी, और काफ़ी सारी दूसरी भी बातें की हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, एंड काफ़ी कुछ दूसरा भी। सो पढ़ सकते हैं अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो, द 4 आवर वर्क वीक। बुक को पढ़ने के बाद मेरे हिसाब से आपका जो भी गोल है या फिर ड्रीम है या फिर जो भी करना चाहते हैं लाइफ के अंदर, उसको आप कम से कम टाइम के अंदर अचीव कर पाएंगे अगर इस बुक को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया या फिर सही तरीके से समझा इस बुक को और देखा आपकी लाइफ को सही नज़रिए से। तो सो पढ़ लेना अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो। ऑफकोर्स द 4 आवर वर्क वीक। यहाँ पे 7वें नंबर की बुक है ऑफकोर्स द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। किसके बारे में है, ऑफकोर्स आपको पता है स्टॉक मार्केट के बारे में है, बट काफ़ी मोटी है और स्टॉक मार्केट भी काफ़ी बड़ा है तो बुक भी मोटी होनी चाहिए। तो अगर आपको समझना है मार्केट को सही नज़रिए से, सही तरीके से, तो इस बुक को पढ़ लेना। और अगर आपने ऑफकोर्स अभी अभी नया नया स्टार्ट किया है मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना, तो इस बुक को पढ़ लेना, काफ़ी कुछ सिखाएगी। लाइक लिटरली खजाना है, खजाना है स्टॉक मार्केट का, ए टू जेड सीखेगी। लाइक कैसे आपको IPOs के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है, कैसे कंपाउंड इफेक्ट वर्क करता है, वो सारा का सारा। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा वरना वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, वैसे ही काफ़ी लंबा है, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। सो पढ़ लेना, नाम सुना होगा पता है, सो पढ़ लेना द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम, स्टॉक मार्केट के बारे में है ऑफकोर्स। यहाँ पे 8वें नंबर की बुक है ऑफकोर्स शू डॉग बाय फील नाइट। किसके बारे में है, नाइकी के बारे में। उन्होंने नाइकी को कैसे बनाया, जो ऑफकोर्स शू की कंपनी है, वो नाम सबको पता होगा, जस्ट डू इट स्लोगन भी है। सो पढ़ लेना अगर आपको जानना है कि नाइकी की शुरुआत कैसे हुई, यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे, ऑथर ने कैसे सारी की सारी कठिनाइयाँ फेस की जब वो आगे बढ़ रहे थे, तब भी उन्होंने कंपनी को कैसे खड़ा किया, बिजनेस कैसे खड़ा करना है, स्टार्टअप कैसे खड़ा करना है, पैसे को कैसे इकट्ठा करना है, वो सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ऑफकोर्स नाइकी के बारे में। लाइक आई थिंक काफ़ी कुछ सीखेंगे इस बुक को पढ़ने के बाद। जब आप देखते हैं ना, या फिर ऑब्जर्व करते हैं, या फिर स्टडी करते हैं बिजनेस को, काफ़ी कुछ नया निकल के आता है उस बिज़नेस के अंदर से। काफ़ी सारी स्टोरी भी होती हैं बिजनेस के रिलेटेड जो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, और इन केस के अंदर यानी कि इस बुक के अंदर ऑफकोर्स नाइकी के बारे में पता होना चाहिए कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो कैसे बड़ी बनती है, या फिर यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचती हैं, आइडिया होना चाहिए अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो। और वही आपको इस बुक के अंदर देखने को मिल जाएगा, यानी कि ऑफकोर्स शू डॉग बुक के अंदर बाय फील नाइट ऑफकोर्स। यहाँ पे 9वें नंबर की बुक है ऑफकोर्स डीप वर्क, और ये मैनेजमेंट के बारे में है। सो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, कुछ भी कर रहे हैं दूसरा, इस बुक को पढ़ लेना। ये बुक आपको सिखाएगी मैनेजमेंट के बारे में, कैसे टीम को मैनेज करना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, कैसे स्टडी को मैनेज करना है, वो सब कुछ ये बुक आपको सिखाएगी। काफ़ी कुछ सिखाएगी आपको यार मैनेजमेंट के अलावा भी, सो पढ़ लेना। मैंने इसको रिसेंटली पढ़ा है, अराउंड 1 महीने पहले, तो ताज़ा मेमोरी है, और काफ़ी कुछ सीखा यार। लाइक कैसे आपको मल्टीपल चीज़ों पे फोकस नहीं करना है और फोकस करना है एक ही चीज़ पे, और उसी चीज़ के अंदर आपको मास्टरी करनी है। एंड ऑफकोर्स लाइट चली गई, थोड़ी देर में वापस आते हैं, लाइक लिटरली पता नहीं क्यों, विल बी बैक इन अ मिनट, वेट फॉर इट।
यहाँ पे 10वें नंबर की बुक है ऑफकोर्स द लीडर हु हैड नो टाइटल बाय रॉबिन शर्मा। और ऑथर ने काफ़ी अच्छी बात करी इस बुक के अंदर कि अगर आपके माइंड के अंदर कुछ बिजनेस आइडिया है या फिर दूसरा कुछ भी चल रहा है तो उसको आप आपके फ्रेंड्स के अंदर बता मत दो, आपके फैमिली के अंदर पहले क्वेश्चन मत कर दो, बिकॉज अगर वो बिजनेस आइडिया नहीं चला या फिर बिजनेस नहीं चला तो फिर लोग आकर आपको बोलोगे कि यार ये बिजनेस तूने क्यों किया, वो नहीं चलने वाला था, मैंने पहले बोला था कि यार ये नहीं चलेगा। सो यू नो लोग काफ़ी सारी बातें करते हैं, वो आपके माइंड को इफेक्ट करेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी आइडिया है तो उसके अंदर वर्क करने लग जाओ, जब आप सक्सेस पा लेते हो उस फील्ड के अंदर तब आप घोषणा कर सकते हो, यानी कि ढिंढोरा मत पीटो पीटो, वही बात करते हैं इस बुक के अंदर ऑथर। और बिजनेस के बारे में, लीडरशिप के बारे में और दूसरा काफ़ी कुछ बताया है ऑथर ने, और काफ़ी छोटी बुक है सो फटाफट ख़त्म कर दूंगे। सो अगर नहीं पढ़िए तो पढ़ लेना द लीडर हु हैड नो टाइटल बाय रॉबिन शर्मा। यहाँ पे लास्ट बट द लिस्ट फाइनेंस की बुक के अंदर है ऑफकोर्स टूल्स ऑफ टाइटन, काफ़ी मोटी बुक है बट जो नॉलेज भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। सो जो ऑथर है टिम फेरिस, उनके जो पॉडकास्ट हैं उनकी समरी हैं, यानी कि जितने भी पॉडकास्ट उन्होंने किए हैं वो सारे के सारे पॉडकास्ट की समरी आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगी। जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे या फिर जो नए नए इन्वेस्टर थे जिन्होंने अभी अभी नया स्टार्ट किया है बिजनेस करना, स्टार्टअप करना, सब कुछ आपको इस बुक के अंदर मिल जाएगा। लाइक खजाना है, भंडारा है नॉलेज का, अगर आपने सही तरीके से देख लिया तो मेरे हिसाब से आप झंडे गाड़ेंगे लाइफ के अंदर। सो पढ़ लेना, लाइक ए टू जेड मिल जाएगा इस बुक के अंदर। लाइक आपने जो सोचा वो इस बुक के अंदर होगा, जो नहीं सोचा वो भी आपको इस बुक के अंदर मिल जाएगा। सो अगर नहीं पढ़ी तो पढ़ लेना, टिम फेरिस मस्ट रीड होनी चाहिए। मैंने इसको काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था, मैंने पूरी की पूरी पढ़ी, ओके मैंने हाफ नहीं पढ़ी है, काफ़ी टाइम लगा था पढ़ने के लिए। लाइक लिटरली कितनी लंबी बुक है देखो यार, 600 नहीं 700 पेजेस है, कितनी 700 पेजेस हैं। ए टू जेड मिल जाएगा आपको, ए टू जेड, रूटीन से लेके बिजनेस से लेके हैबिट से लेकर जो भी बड़े बड़े बिलियनर्स से वो कैसे सोचते हैं, कैसे बिजनेस करते हैं, उनके माइंड के अंदर क्या क्या चलता है, वो सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, यानी कि टूल्स ऑफ टाइटन बुक के अंदर। अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना, एंड अगर पढ़ी है तो मुझे बताना कि यार क्या क्या सीखा इस बुक को पढ़ने के बाद इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो ये थी 10 फाइनेंस की बुक या फिर मनी मैनेजमेंट की बुक या फिर मैनेजमेंट की बुक या फिर टाइम मैनेजमेंट की बुक। सो ये 10 थी, मैं दिखाई देता हूँ आपको, ये वाली थी और हमने ये भी देख ली इन्वेस्टर वाली एंड रिच डैड पुअर डैड एंड लास्ट वाली ऑफ कोर्स टूल्स ऑफ टाइटन बाय टिम फेरिस। सो पढ़ लेना अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, टाइम को मैनेज करना चाहते हैं या फिर आप अपने टीम को मैनेज करना चाहते हैं या फिर कुछ भी करना चाहते हैं मनी को लेकर, इनमें से कोई भी एक बुक पढ़ सकते हैं या फिर सारे के सारे पढ़ लेना। लाइक आप 3 घंटे की मूवी देख सकते हो तो बुक तो पढ़ ही सकते हो, और रोज़ ये आधा घंटा पढ़ लो, बुक कब ख़त्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आधा घंटा निकाल लेना लाइफ के अंदर से, लाइक 24 आवर्स के अंदर आधा घंटा निकाल सकते हो थोड़ी सी बुक पढ़ने के लिए। सो निकाल लेना, काफ़ी कुछ सीखेंगे, लाइक लाइफ के अंदर काफ़ी बड़े इंप्रूवमेंट आप देखेंगे जब आप बुक को पढ़ेंगे तभी, या फिर बुक का नॉलेज आप अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे तभी। सो ये थी मनी मैनेजमेंट की बुक या फिर फाइनेंस की बुक। अभी हम जंप कर लेते हैं हैबिट्स की बुक की तरफ, 5 बुक्स हैं हैबिट्स की, उसके तरफ देख लेते हैं या फिर कुछ बातें कर लेते हैं वो बुक के बारे में, उसके बाद दूसरी कुछ बुक के बारे में बात करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा है, काफ़ी लंबा है, बढ़ते हैं आगे। फिर यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं छोटी बुक्स के बारे में, यानी कि आप एक ही दिन के अंदर ख़त्म कर पाएंगे वैसी बुक के बारे में, और उसके बाद बढ़ते हैं बड़ी बड़ी बुक्स के अंदर, बिकॉज अब छोटी बुक्स होगी तो आप ख़त्म कर पाएंगे जड़ पी से। सो पहली बुक है कौन सी, द कंपाउंड इफेक्ट। और ये बुक के अंदर ऑथर आपको ये बताते हैं कि हर किसी ना किसी के लाइफ के अंदर चॉइसेस होती हैं कि सुबह उठने के बाद कसरत करनी है या फिर स्मार्टफोन को पिक करना है और स्क्रॉल करना है, या फिर हेल्थी खाना खाना है, अनहेल्दी खाना खाना है, चॉइसेस होती हैं। सो डिसाइड किसको करना पड़ता है, आपको या फिर मुझे, कि मुझे हेल्थी लाइफ जीनी है, अनहेल्दी जीनी है, मुझे लाइफ के अंदर से क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो सब कुछ चूज़ आपको करना पड़ेगा। चॉइसेस काफ़ी सारी हैं बट चॉइसेस के अंदर से अच्छी चॉइसेस को चूज़ करना पड़ेगा, वही ऑथर आपको इस बुक के अंदर बताते हैं। और यहाँ पे आपको इस बुक के अंदर 6 चैप्टर्स देखने मिल जाएंगे, और सारे के सारे चैप्टर्स के अंदर ऑथर ने काफ़ी सारी बातें की हैं जो आप इस बुक को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। और पहला चैप्टर कौन सा है,
कंपाउंड इफेक्ट के बारे में, यानी कि अगर आपने इतने पैसे आज इन्वेस्ट किए तो सालों के बाद कितने होंगे। और ऑथर आपको ये भी बताते हैं कि हर एक इंसान को पैसे को इन्वेस्ट करना सीखना पड़ेगा। वो हो सकता है स्टॉक मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, क्रिप्टो करेंसी के अंदर, रियल स्टेट के अंदर या फिर किसी भी और जगह पर, बट पैसे को इन्वेस्ट करना सीखो। बिकॉज अगर आपने आज पैसा इन्वेस्ट किए तो आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होगा, काफ़ी अच्छा होगा। अगर नहीं किया तो फिर आपकी ज़िंदगी वैसे ही रहेगी और आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी आप जॉब करते हुए निकाल दोगे। सो इन्वेस्टमेंट करना सीखो, वही आप इस बुक के अंदर सीखेंगे। हैबिट्स के बारे में, चॉइसेस के बारे में, मोमेंटम के बारे में है और काफ़ी सारी बातें यहाँ पे ऑथर ने इस बुक के अंदर करी हैं। सो पढ़ सकते हैं, आई थिंक काफ़ी पॉकेट साइज बुक हैं, काफ़ी छोटी बुक हैं। सो मेरे हिसाब से आप अराउंड एक दिन के अंदर ख़त्म कर दोगे, बिकॉज काफ़ी बड़ी बुक नहीं है, छोटी हैं और पेजेस भी काफ़ी कम हैं। सो आप पढ़ पाओगे यार, यू नो काफ़ी टाइम में जाएगा आपका या फिर बोर फील नहीं करोगे। सो पढ़ सकते हैं द कंपाउंड इफेक्ट। यहाँ पे सेकंड नंबर की बुक है ये वाले, जिसका नाम है ईट दैट फ्रॉग 21 वेज टू स्टॉप प्रोकास्टिनेशन। इसका मतलब क्या होता है कि चीज़ों को कैसे डिले नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने अपने आप को प्रोमिस किया कि मैं आज शाम को कसरत करूँगा, फिर शाम होती है तब मैं बोलता हूँ कि यार मैं शाम को नहीं करता हूँ, सुबह करूँगा। फिर अगले दिन सुबह होती है तो फिर से मैं अपने आप को बोलता हूँ कि यार सुबह नहीं करता हूँ, मैं शाम को करूँगा, यानी कि चीज़ों को डिले करना। और अगर आप उनमें से आते हो तो यार आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद कुछ एहसास हो जाएगा आपको कि यार मैं क्या कर रहा हूँ मेरी लाइफ के अंदर और चीज़ों को कैसे डिले नहीं करना है। सो काफ़ी अच्छी बुक है। और हैबिट्स के बारे में, ऑफ कोर्स जैसे कि इस वीडियो का टाइटल है, सो 21 चैप्टर्स हैं, काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और अराउंड 105 पेजेस हैं। सो काफ़ी छोटी बुक है, इसके कंपैरिजन के अंदर काफ़ी छोटी है। इसके अंदर आपको 150 पेजेस मिल जाएंगे और इसके अंदर 100 है। सो काफ़ी छोटी है और मजा आएगा पढ़ते समय, काफ़ी कुछ सीखेंगे, काफ़ी कुछ नया सीखेंगे और अपने आप को बेहतर समझ पाओगे पढ़ने के बाद। सो पढ़ सकते हैं ईट दैट फ्रॉग। यहाँ पे थर्ड नंबर की बुक है ये वाले, जिसका नाम है द पावर ऑफ हैबिट। और ये मेरी पहली बुक थी जो मैंने पढ़ी थी हैबिट के बारे में, और उसके बाद मैंने काफ़ी सारी बुक्स को डिस्कवर किया और मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। सो आप भी इसको पढ़ सकते हैं। ये बुक थोड़ा सा यू नो ओवरव्यू देती है आपको हैबिट के बारे में और काफ़ी सारे एग्जांपल दिए हैं इस बुक के अंदर कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कैसे आपके हैबिट को यूज़ करती हैं प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट को शोकेस करने के लिए, और उसको देखने के बाद आप कैसे चीज़ों को बाय करते, वो सब कुछ यहाँ पे इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। सो आप इसको पढ़ सकते हैं। काफ़ी सारे एग्जांपल हैं जो यू नो अर्ली 90s के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट की थी, या फिर जो कंपनियां थी वो डूब रही थी, उसके बाद उन लोगों ने एक साइंटिस्ट को हायर किया और उन्होंने बताया कि हैबिट्स को आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं आपके बिजनेस के अंदर और वहाँ से आप कैसे अपने बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं या फिर आगे बढ़ा सकते हैं। सो जैसे कि आप हैं, मैं हूँ, हमारे हैबिट्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए, वो सब कुछ ऑथर ने इस बुक के अंदर बात की है। काफ़ी अच्छी बुक है, लाइक काफ़ी बड़ी बुक है, 350 पेजेस की है, बट आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी कुछ सीखेंगे, काफ़ी कुछ नया सीखेंगे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। सो आप पढ़ सकते हैं द पावर ऑफ हैबिट। यहाँ पे अगर आपको पावर ऑफ हैबिट को नहीं पढ़ना तो क्या कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक है, मैंने अराउंड 3 बार पढ़ी है इसको, एक बार सुनी है ऑडिबल पे, अमेजोन की है, फ्री के अंदर मिल जाएगी आपको ऑडियो बुक। सो आप इसको पढ़ सकते हैं, लाइक ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक है। इस बुक ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है मेरे बारे में कि यार मैं क्या क्या करता हूँ मेरी लाइफ के अंदर और कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ मेरी लाइफ के अंदर, लाइक हैबिट्स के थ्रू काफ़ी सारे लाइफ के लेसन्स मैंने इस बुक को पढ़ने के बाद सीखे हैं। सो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, एटॉमिक हैबिट 400 रुपये की बुक है, बट जो 400 रुपये का इन्वेस्टमेंट है ना वो काफ़ी बढ़िया रिटर्न देगा आपको, और जो रिटर्न मिलेगा ना वो काफ़ी बड़ा होगा। आप जब आप आगे बढ़ेंगे लाइफ के अंदर या फिर बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर, पढ़ाई के अंदर, तो आप नोटिस कर पाएंगे इस बुक का नॉलेज। सो पढ़ सकते हैं एटॉमिक हैबिट, इसके मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए हैं, वो देख लेना अगर आपको इन डेप्थ में कुछ ना है तो। सो पढ़ सकते हैं एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर, काफ़ी अच्छी बुक है, लाइक हर एक इंसान को पढ़नी चाहिए ये बुक। आपकी उम्र कितनी भी है, 15 है, 20 से, 25 है, 40 है, 50 है, इस बुक को पढ़ लेना, कुछ ना कुछ नया निकल के आएगा और काफ़ी कुछ यू नो देखेंगे नया आपके लाइफ के अंदर आप।
यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लिस्ट बात कर लेते हैं ये वाली बुक के बारे में, जिसका नाम है द सेवन हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। और ये बुक आपको क्या सिखाएगी, यही सिखाएगी कि यार हैबिट को कैसे ऐड करना है बिजनेस के अंदर। सो अगर आप सोच रहे थे नए बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में, या फिर आपका कोई भी बिजनेस चल रहा है बट काफ़ी अच्छा नहीं चल रहा है, लॉस चल रहा है, या फिर आपको पता नहीं चल रहा है कि यार मैं क्या करूँ अभी ये बिजनेस के अंदर, ये बुक को पढ़ लेना। ये बुक आपको सिखाएगी कि यार हैबिट को आप कैसे ऐड कर सकते हैं आपके बिजनेस के अंदर और कैसे आप उसको बड़ा बना सकते हैं। लाइक हैबिट्स को आपको भी ऐड करना है, बिजनेस के अंदर ऐड करना है, जो आपके एम्प्लॉइज हैं उनके लाइफ के अंदर भी ऐड करवाना है, बट वो कैसे करवाना है वो सब कुछ ऑथर आपको ये बुक के अंदर समझाएंगे या फिर सिखाएंगे। सो पढ़ सकते हैं। और ये थोड़ी सी महंगी बुक है, अराउंड कितने की पता नहीं, मैं यहाँ पर फ्लैश कर दूंगा, बट थोड़ी सी मोटी बुक है, 350 पेजेस की, यानी कि 350 पेजेस। या पढ़ लेना, बट मोटी बुक है, बट जो नॉलेज का भंडार है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो अपनी रचनाओं को पढ़ने के बाद आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। सो पढ़ सकते हैं द सेवन हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इसका भी वीडियो बनाया हमने, सो वो भी देख लेना। सो ये थी कुछ 5 बुक्स जो आपको पढ़नी चाहिए हैबिट के बारे में। अगर आप कन्फ्यूज हैं कि यार मैं इनमें से पाँचों के पाँचों नहीं पढ़ सकता, मुझे सिर्फ एक ही पढ़नी है, तो क्या कर सकते हैं, मैं आपको रेकमेंड करता हूँ ये वाली बुक जिसका नाम है ऑटोमिक हैबिट। इसको पढ़ लेना, इसका जो मोस्ट ऑफ द नॉलेज है या फिर जो शार वैल्यू है वो आपको इसके अंदर मिल जाएगी। बट मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूँ कि आप पाँचों के पाँचों पढ़ लेना, काफ़ी कुछ सीखेंगे, काफ़ी कुछ नया निकल के आएगा सारी के सारी बुक्स के अंदर से, और काफ़ी कुछ देखेंगे नया आप अपने लाइफ के अंदर। सो पाँचों के पाँचों पढ़ लेना, या फिर अगर आप लेजी है कि यार मुझे पाँचों के पाँचों नहीं पढ़नी है भाई, तो क्या कर लो, ऑटोमिक हैबिट को पढ़ लो ये वाली बुक। सो वो भी आप कर सकते हैं। मैंने पाँचों के पाँचों पढ़ी है और मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। सो मेक श्योर पढ़ लेना अगर आप पढ़ने के अंदर इंटरेस्टेड हो तो। अगर आपको पढ़ना पसंद नहीं है तो क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई भी एक बुक की ऑडियो बुक बाय कर सकते हैं फ्री के अंदर। यस, अमेज़न वाले 3 महीने के लिए फ्री देते हैं 3 बुक्स को, आपको 1 रुपया ही देना पड़ेगा और 3 महीने आपको 3 बुक्स मिलेगी फ्री के अंदर ऑडियो बुक। सो इनमें से कोई भी 3 बाय कर सकते हैं, या फिर इनमें से कोई भी एक बाय कर लो, जैसे कि ऑटोमिक हैबिट और दूसरी 2 जो भी आपकी पसंद आती है वो बाय कर सकते हो 1 रुपये के अंदर 3 बुक। नाउ यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ हेल्थी बुक्स के बारे में। एंड पहली बुक कौन सी है, ऑफकोर्स आपको पता होगी, इकिगाई लाइफस्टाइल के बारे में है। किन लोगों की, जापानीज लोगों की लाइफस्टाइल के बारे में है, वो लोग क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं और वो लोग क्यों ज़्यादा जीते हैं कम्पेयर टू दूसरे कुछ कंट्रीज़ के मुकाबले। और मेरे हिसाब से ये बुक आपको काफ़ी पसंद आएगी, बिकॉज अब ऑथर ने काफ़ी सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको समझाया है जापानीज़ लाइफस्टाइल के बारे में। और ये वाली बुक पहला पार्ट था और इसका दूसरा पार्ट अभी रिसेंटली आया है, यानी कि इस बुक का एक्सटेंशन है। ज़्यादा नॉलेज चाहिए जापानीज लोगों के बारे में तो इसको पढ़ सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी होगी, बिकॉज ये बुक भी काफ़ी सही तरीके से ऑथर ने लिखी है। सो अगर आपने इसको पढ़ के रखा है तो इसको बाय कर सकते हैं और पढ़ना शुरू कर सकते हैं, मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ नया सीखेंगे जापानीज लोगों के बारे में। बट अगर आपने इसको नहीं पढ़ा तो पहले ये पढ़ना उसके बाद ये पढ़ना। सो 2 पार्ट थे इकिगाई के जो आप पढ़ सकते हैं अगर आपको जानना है जापानीज लोगों की लाइफस्टाइल के बारे में, या फिर अगर आपको हेल्थी भी जीना है ना तो भी आप पढ़ लेना, बिकॉज आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। यहाँ पे 3rd नंबर की बुक है ऑफकोर्स ये वाली, जिसका नाम है यू कैन हील योर सेल्फ। प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व कर सकते हैं आप खुद से ही, बट कैसे करना है ऑथर ने इस बुक के अंदर बताया है। कई बार जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसका सॉल्यूशन आसपास ही होते हैं बट उसको हम देख नहीं पाते हैं, उसको कैसे देखना है ऑथर ने इस बुक के अंदर बताया है। और ऑथर ने काफ़ी सिंपल भाषा के अंदर आपको समझाया है प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं मेंटली फिजिकली और दूसरे कोई भी तरीके से। सो पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने अभी 2 चैप्टर पढ़े हैं और मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। सो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ पढ़ लेना। और इस बुक को रेकमेंड किया था संदीप महेश्वरी सर ने, सो उन्होंने किया था, सो मैंने बाय कर ली और अच्छी लग रही है। सो अच्छा किया बाय की। सो अगर आपने अब तक बाय नहीं किया तो बाय कर लेना, आपको काफ़ी मजा आएगा और काफ़ी कुछ नया डिस्कवर करेंगे आप अपने बारे में। यहाँ पे 4th नंबर की बुक, यानी कि लास्ट बुक है हेल्थ की कैटेगरी के अंदर ये वाली, जिसका नाम है द 4-आवर बॉडी। ह्यूमन बॉडी के बारे में A to Z ऑथर ने बताया आपको, लाइक लिटरली डाइट से लेके हम हमारी बॉडी को कैसे फिट रख सकते हैं या फिर हम कैसे ह्यूमन को प्लीज कर सकते हैं, वो सब कुछ बताया ऑथर ने लाइक ओपनली। सो पढ़ने में मजा आएगा, कोई भी नो
सेंसर नहीं किया है बुक को, जो काफ़ी अच्छी बात है, बिकॉज अब सेक्स की भी बात की है और हमारे बॉडी के बारे में, वुमन्स की बॉडी के बारे में सारा का सारा बातें की है। सो सेंसर नहीं, जो काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी कुछ नया सीखेंगे ह्यूमन बॉडी के बारे में, वो हो सकती है लड़की की या फिर लड़कों की, सारे के सारे बातें की है ऑथर ने इस बुक के अंदर। और बुक मोटी है तो घबराना मत, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं इस बुक के अंदर से, आपको स्टार्टिंग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बीच के अंदर से पढ़ते हैं तो कुछ यू नो मिस नहीं कर देंगे, अगर आप ऐसे ओपन करेंगे ना बुक के अंदर से और पढ़ना शुरू कर सकते हैं और आप कुछ मिस नहीं करेंगे, जो काफ़ी अच्छी बात है। लाइक लिटरली अच्छी बुक है, मोटी बुक है बट नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा है, सो मोटी हो नहीं है। सो अगर आपको समझना है ह्यूमन बॉडी को, ये बुक आपको काफ़ी पसंद आएगी। एंड ऑफ कोर्स ये थी कुछ हेल्थ की बुक या फिर हेल्थी बुक, इकी गई यू कैन हील योर सेल्फ एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द फोर आवर बॉडी। एंड उसके अलावा भी काफ़ी सारी हेल्थ की बुक थी बट दूसरी कैटेगरी के अंदर है, सो दैट्स वाई मैंने थोड़ा शिफ्ट कर दिया, 7-8 थी बट मैं दूसरी कैटेगरी के अंदर ऐड किया है, जो आप देखेंगे आगे और आएगी तो मैं बता लूँगा या फिर आपको पता चल ही जाएगा जब हेल्थ की बुक आएगी तो। सो ये थी 4 बुक्स जो पढ़ लेना जो डेडिकेटेड हैं हेल्थ के बारे में, नहीं पढ़िए तो पढ़ लेना, अगर बाय करनी है लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पे अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 3 बुक्स, जो है पास्ट के ऊपर, प्रेजेंट के ऊपर एंड फ्यूचर के ऊपर। और कौन से ऑथर की हैं सबको पता है, यूवाल नोआ हरारी। पहले बात कर लेते हैं हिस्ट्री के बारे में, यानी कि पास्ट के बारे में। सो अगर आप हिस्ट्री के अंदर इंटरेस्टेड हैं कि यार हमारा जन्म कैसे हुआ, लाइक यहाँ से लेके के यहाँ तक, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। काफ़ी सिंपल भाषा के अंदर समझाया है लाइक ऑथर ने, यूवाल नोआ हरारी, सच अ राइटर। आई मीन मज़ा आएगा उनकी राइटिंग को पढ़ते समय, और पढ़ लेना आप बोर फील नहीं करेंगे। बट अगर आप हिस्ट्री में उतना मज़ा नहीं आता है, थोड़ा सा बोर फील कर सकते हैं, बट हिस्ट्री को जानना आई थिंक काफ़ी अच्छी बात है। लाइक लिटरली अर्थ के बारे में है, हमारे बॉडी के बारे में है, हमारा जन्म कैसे हुआ, वो सब कुछ जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना ह्यूमन का, वो सब कुछ ऑथर ने इस बुक के अंदर बताया है। मज़ा आएगा पढ़ते समय, सो पढ़ लेना अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड बाय ऑफकोर्स यूवाल नोआ हरारी। अभी बात कर लेते हैं नाउ यानी कि प्रेजेंट मोमेंट के बारे में, और बुक कौन सी है सबको पता है, मैंने बार बार बातें की हैं, काफ़ी सारे बातें की हैं। ऑफकोर्स 21 लेसन फॉर 21st सेंचुरी बाय ऑफकोर्स यूवाल नोआ हरारी। सो पढ़ सकते हैं, किसके बारे में है, अभी के बारे में है, क्या अभी कौन सी टेक्नोलॉजी है, AI कैसी ह्यूमन रेस को किल कर सकता है या फिर AI कैसे सरपास कर सकता है ह्यूमंस को, और वो कैसे दुनिया पे कब्जा कर सकता है, वो सब कुछ बताए हैं। जो वॉर्स होने वाली है या फिर हो चुके उसके बारे में बताया ऑथर ने इस बुक के अंदर। सो आई थिंक काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा जो होने वाला है आगे 21st सेंचुरी के अंदर, या फिर जो हो चुका है उसके बारे में भी ऑथर ने इस बुक के अंदर बात की है। सो पढ़ लेना, आई थिंक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग रहेगी आपके लिए, कुछ नया डिस्कवर करेंगे AI के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, और जो आने वाला टाइम के अंदर होने वाला है उसके बारे में। सो पढ़ लेना, कौन सी बुक, ऑफकोर्स पता है आपको 21 लेसन फॉर 21st सेंचुरी। और मेरे हिसाब से मैंने वीडियो बनाया था इसका, अगर होगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और देख लेना, अगर वीडियो नहीं देखना है तो बुक पढ़ लेना, बिकॉज आप काफ़ी कुछ नया सीखेंगे यार। लाइक लिटरली जब आप पढ़ने लगेगे ना तब पता चलेगा आपको कि यार ऐसा भी हो सकता है या नहीं, या फिर होने वाला है क्या। सो पढ़ लेना, कुछ इंटरेस्टेड हैं टेक्नोलॉजी के अंदर तो। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो, आगे क्या होने वाला है, लाइक जो होगा वो लिटरली इसके अंदर नहीं बताया, अगर होता तो फिर सब लोग बात कर रहे होते इस बुक के बारे में, बट काफ़ी सारे लोगों ने पढ़ी है और उनको काफ़ी पसंद आई है और मुझे भी काफ़ी पसंद आई है, दैट्स वाई मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। सो पढ़ लेना, आने वाला टाइम के बारे में है, लाइक लिटरली हमें मजा आएगा। वर्ल्ड वॉर के बारे में भी बात की है, क्या क्या हो सकता है आने वाला टाइम के अंदर, हम अगर हम सही तरीके से हमारी ज़िंदगी नहीं जिए तो, या फिर जो कंट्रीज से USA हैं या फिर रसिया हैं, चाइना है, सब झगड़े हुए तो क्या क्या हो सकता है लाइफ के अंदर या फिर अर्थ के अंदर, ये बुक के अंदर आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा भी काफ़ी सारी बातें की है ऑथर ने, जो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा। सो ये थी कुछ बुक्स जो है ऑफकोर्स यूवाल नोआ हरारी की, पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में एंड ऑफकोर्स फ्यूचर के बारे में भी। ये थी 3 बुक्स एक ही ऑथर की, और मैंने सोचा कि यार अलग कैटेगरी के अंदर ऐड करते हैं,
सो थोड़ा सा सही तरीके से समझा पाऊंगा या फिर आप समझ पाएंगे। ये तीन बुक्स पढ़ लेना अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो। और अगर आपको तीन में से एक बुक पढ़नी है या फिर एक चूज़ करनी है तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ ये पढ़ना, 21 लेसन फॉर 21st सेंचुरी। और अगर आप पढ़ लेते हैं, अगर आपको मज़ा आता है, अगर आप अच्छा फील करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, देन पढ़ना ये वाली बुक, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए एंड ये है कुछ इंसाइट देगी आपको आने वाले टाइम के बारे में, यानी कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो। पढ़ लेना अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो। यहाँ पे अभी बात कर लेते हैं कुछ ऑटोबायोग्राफीज के बारे में जो मैंने पढ़ी है या फिर जो पढ़ रहा हूँ उसके बारे में। एंड आपको पढ़नी चाहिए अगर आपको सीखना है लोगों के बारे में कि यार उन्होंने उनकी ज़िंदगी कैसे जी, कौन सी मिस्टेक की, कहाँ कहाँ पर फेल हुए या फिर क्या क्या सीखा उन्होंने उनके लाइफ के अंदर। तो आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हैं, उनसे आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं आपकी लाइफ के अंदर। यहाँ पे पहली बुक कौन सी है, ऑफकोर्स आपको पता होगा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस के अंदर बात की इस बुक के बारे में और इस बुक को हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए। बट ध्यान में रखना इस बुक की इंग्लिश थोड़ी सी हार्ड रहेगी, सो वो ध्यान में रख लेना। अगर इंग्लिश में नहीं पढ़नी है तो मेरे हिसाब से आप आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसके अंदर पढ़ सकते हैं। मेरे लिए गुजराती है, आपके लिए मराठी हो सकती है, पंजाबी हो सकती है या फिर दूसरी कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। एंड ऑफकोर्स मैंने पहले गुजराती में पढ़ा था, उसके बाद इंग्लिश वर्जन बाय किया बिकॉज ऑफ इंग्लिश मुझे इसकी समझ में नहीं आ रही थी उतनी ज़्यादा, बिकॉज ऑफ कुछ वर्ड्स है थोड़े से पारे पर कम है। सो थोड़ी सी गुजराती में पढ़ी, उसके बाद इंग्लिश में पढ़ा, सो वो भी हैं। सो पढ़ लेना, थोड़े से एडवांस लेवल की है स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड के अंदर, सो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना इनकी लाइफ के बारे में, काफ़ी कुछ नया निकल के आएगा आपकी लाइफ के अंदर भी। सो पढ़ लेना अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो। कौन सी बुक? ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी ऑफकोर्स। यहाँ पे दूसरी बुक है ऑफकोर्स एलन मस्क की बायोग्राफी है, अभी जिंदा है, ओके। सो पढ़ लेना अगर आपको जानना है एलन मस्क के बारे में, उनके थॉट्स के बारे में, उनके लाइफस्टाइल के बारे में, उन्होंने कैसे उनका अंपायर खड़ा किया, सो जान सकते हैं। ज़्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज आपको पता है कौन है एलन मस्क। सो अगर आपको जानना है उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, उनके स्ट्रगल्स के बारे में, उनके फेलियर्स के बारे में, ये बुक आपको काफ़ी हेल्प करेगी और कुछ इंसाइट देगी इनके लाइफ के बारे में। सो पढ़ लेना एलन मस्क, आई थिंक काफ़ी अच्छी है। मैंने बोर फील नहीं किया पढ़ते समय, सो मैं यही बोलूँगा। अगर आपको ज़्यादा जानना था सो बुक पढ़ लेना, दूसरा क्या ही बोलूँ, राइट। एंड तीसरी बुक कौन सी है? ऑफकोर्स अली बाबा जैक मा के बारे में नहीं है, अली बाबा वेबसाइट के बारे में है। जैक मा ने अली बाबा को कैसे खड़ा किया, यहाँ से यहाँ तक कैसे लेके गए, काइंड ऑफ बिजनेस सेंट्रिक बुक है बट अली बाबा की थोड़ी सी स्टोरी आपको मिल जाएगी। सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूड किया है, लाइक वो सब कुछ मिल जाएगा, अली बाबा ने कैसे उनका एम्पायर खड़ा किया वो सब कुछ इस बुक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड थे अली बाबा के बिजनेस के अंदर या फिर जैक मा के अंदर तो ये बुक आपको काफ़ी पसंद आ सकती है। सो पढ़ लेना अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो। नाउ यहाँ पे चौथे नंबर की बुक कौन सी है? मेरे हिसाब से आपको पता होगा या फिर मैंने बिकॉज ऑफ पहले बात की है इसके बारे में, हिप्पी पाउलो काउलो, ऑथर का नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो एक बुक का नाम सुना होगा जिसका नाम है द अल्केमिस्ट, उस बुक के ऑथर ये हैं पाउलो काउलो। उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में सो पढ़ लेना, मैंने रिसेंटली ही वीडियो बनाया था तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अगर आपको इसकी बुक समरी जाननी है तो यहाँ पे मैं फ्लैश कर दूंगा, अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल अगर आप फैन हैं पाउलो काउलो के तो आपको ये बुक पसंद आएगी, अगर आप फैन नहीं हैं तो ये बुक आपको पसंद नहीं आएगी। सो वो भी है, थोड़ी सी बोर फील हो सकता है या फिर पसंद नहीं आ सकती है बिकॉज ऑफ ये डिपेंड करता है कि आप फैन हैं या फिर नहीं, या फिर आपको पाउलो काउलो पसंद है या फिर नहीं। सो दैट्स वाई पढ़ लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, अगर नहीं हो तो वीडियो देख लेना, उसके बाद सोचना कि यार पढ़ूँ कि ना पढ़ूँ। एंड ऑटोबायोग्राफीज के अंदर लास्ट बुक्स कौन सी हैं? चाणक्य नीति, डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली, राधा कृष्ण पिल्ले ये है ना ऑथर, उन्होंने चाणक्य के बारे में काफ़ी सारे बुक्स लिखी है और उन सारे के सारे बुक में से मैंने दो बुक्स को सिलेक्ट किया है जो मेरे हिसाब से आपको पसंद आएगी। सो अगर आपको जानना था कि यार चाणक्य कैसे सोचते थे सो आप इन बुक्स को पढ़ सकते हैं। पहली बुक है ऑफकोर्स इनसाइट्स चाणक्य माइंड एंड दूसरी है चाणक्य नीति।
स्ट्रेटजी ऑफ सक्सेस एंड ये वाली बुक है वो चाणक्य की लाइफस्टाइल के बारे में है, उनके थॉट्स के बारे में, उनके माइंड के बारे में है। और जो दूसरी बुक है वो बिजनेस सेंट्रिक है या फिर उनके सक्सेस के बारे में है चाणक्य के। सो पढ़ सकते हैं अगर आपको जानना था कि चाणक्य कैसे सोचते थे या फिर कैसे वो जीते थे अपनी लाइफ को, पढ़ सकते हैं। आई थिंक आपको पसंद आएगी, मुझे काफ़ी पसंद आई है। और जो राइटिंग है राधा कृष्ण पिल्ले की वो काफ़ी अच्छी है। सो बोर फील नहीं होगा या फिर कंटाला नहीं आएगा पढ़ते समय। बट अगर आप इंटरेस्टेड थे चाणक्य के अंदर या फिर उनकी लाइफस्टाइल के अंदर तभी पढ़ना, वैसे मत पढ़ना वरना आपको बोरिंग फील हो सकती है। सो यही था। सो ये थी कुछ बुक्स जो मेरे हिसाब से आपको पढ़नी चाहिए ऑटोबायोग्राफी। और इसके अलावा भी दूसरी कुछ बुक्स हैं, फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है जो आप पढ़ सकते हैं, स्टीव जॉब्स की ऑटोबायोग्राफी है वो आप पढ़ सकते हैं, बराक ओबामा की ऑटोबायोग्राफी है वो आप पढ़ सकते हैं, और चौथी कौन सी थी मैं नाम भूल गया, यहाँ पर मैं फ्लैश कर दूंगा। सो ये मैंने पढ़ी है बट किंडल पर पढ़ी है, और ये थी मेरे पास फिजिकल कॉपी, दैट्स व्हाई मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जो मैंने पढ़ी है किंडल पे मैंने आपको बता दी, स्टीव जॉब्स, महात्मा गांधी, बराक ओबामा एंड चौथी का नाम भूल गया मैं, जो यहाँ पे मैं फ्लैश कर दूंगा। सो पढ़ सकते हैं। ये रही कुछ ऑटोबायोग्राफी, लोगों के बारे में जानना मुझे काफ़ी पसंद है बिकॉज उन्होंने काफ़ी सारी मिस्टेक भी की होती हैं, काफ़ी सारे फेलियर्स भी देखा होता है और सक्सेस भी देखा होता है। सो वहाँ से सीखना और अप्लाई करना हमारी लाइफ के अंदर वो काफ़ी अच्छी बात है, बिकॉज हम क्यों रिपीट करें सेम टू सेम मिस्टेक जो काफ़ी सारे लोगों ने पहले से करके रखा है। सो अगर आपको पता होगी मिस्टेक्स और फेलियर्स, सो आप वो सारे के सारे मिस्टेक्स को या फिर फेलियर्स को आप अपनी लाइफ के अंदर रिपीट नहीं करेंगे। दैट्स वाई मुझे ऑटोबायोग्राफी पढ़ना मुझे पसंद है। एंड मेरे हिसाब से आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको भी मजा आएगा। सो पढ़ लेना, अगर आपको पढ़नी थी तो कोई भी ऑटोबायोग्राफी पिक कर लेना और पढ़ना शुरू कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स के बारे में जो आपको पढ़ने चाहिए लाइफ के अंदर एक बार तो, और काफ़ी सारे बुक्स हैं। सो पिक कर लेना जो भी आपको पसंद आती है वो और पढ़ना शुरू कर सकते हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। और यहाँ पे पहली बुक कौन सी है, ऑफकोर्स नाम सुना होगा, द मंक हु सोल्ड हिज फरारी बाय रॉबिन शर्मा। स्टोरी टाइप वाली बुक है बट काफ़ी अच्छी स्टोरी है, काफ़ी अच्छी स्टोरी के थ्रू आपको समझाए हैं लाइफ के लेसन्स रॉबिन शर्मा ने। सो पढ़ सकते हैं अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो, और अगर आप हो सके तो हार्ड कवर के अंदर बाय करना, बिकॉज जो कवर है ना वो काफ़ी अच्छा है और हार्ड कवर के अंदर जो पेजेस हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं लकीली। सो आप इसको बाय कर सकते हैं। आई थिंक आप आपको दिखा पाओ देख सकते हैं अंदर ब्लैक है और बाहर जो कवर है वो कलरफुल है। सो मेरे हिसाब से पढ़ने का काफ़ी मज़ा आएगा। सो पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी स्टोरी है। और अगर हम ओवरऑल समरी की बात करें इस बुक की तो ऑथर ने ये आपको बताया है कि लाइफ के अंदर ब्रेक लेना जरूरी है। कुछ भी कर रहे हैं आप, आपका बिजनेस है, स्टडी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या फिर दूसरा कुछ भी कर रहे हैं, तो लाइफ के अंदर ब्रेक लेना ज़रूरी है। अगर आप ब्रेक लोगे तो आपको अच्छा फील होगा, आपका माइंड थोड़ा सा फ्री हो जाएगा, उसके बाद आप काम करना शुरू कर सकते हैं। ओवरऑल यही बोलते हैं बट उसके अलावा भी काफ़ी सारी बातें हैं जो आप सीखेंगे इस बुक के अंदर। सो पढ़ लेना अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो, काफ़ी पुरानी बुक है एंड पढ़ लेना। दूसरा क्या है बोलूँ, द मंक हु सोल्ड हिज फरारी। यहाँ पे सेकंड बुक है ऑफकोर्स एज अ मैन थिंक इट। मैंने काफ़ी सारी बातें की हैं काफ़ी सारे वीडियोज के अंदर और मेरे हिसाब से आपको पता ही होगा किसके बारे में है, हमारे थाट्स के बारे में है कि हम हमारे थाट्स को कैसे प्योर बना सकते हैं, अच्छे बना सकते हैं। और काफ़ी सारे बातें की ऑथर ने इस बुक के अंदर, और हो सके तो धीरे धीरे पढ़ना। आई नो छोटी बुक है, अराउंड 91 पेजेस की है, बट धीरे धीरे पढ़ना और समझने की कोशिश करना कि यार ऑथर आपको क्या बोलना चाहते हैं, बिकॉज कई सारी बातें हैं वो काफ़ी डीप हो जाती हैं। तो समझना उसके बाद आगे बढ़ना, एक ही दिन के अंदर ख़त्म मत करना, काई मत करना, टाइम लेना और समझना कि क्या लिखा है इस बुक के अंदर। अगर आपने समझ लिया तो मेरे हिसाब से आपको पता चल ही जाएगा अगर आपने समझ लिया तो। सो पढ़ लेना अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो, एज अ मैन थिंक इट ऑफकोर्स। यहां पे तीसरे नंबर की बुक है ऑफकोर्स पावर ऑफ नाउ, यानी कि प्रेजेंट मूवमेंट के बारे में है, अभी के टाइम के बारे में, जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं ना उस मूवमेंट के बारे में है। सो अगर आपको समझना था कि यार मैं प्रेजेंट मूवमेंट के अंदर कैसे रह सकता हूँ, वर्तमान के अंदर मैं कैसे जी सकता हूँ, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। आई थिंक आपका दिमाग खोल के रख देगी, काफ़ी सारी बातें करेगी और काफ़ी कुछ सिखाएगी ये बुक आपको। सो पढ़ लेना
काफ़ी कुछ नया निकल के आएगा आपके अंदर से, और हो सके तो प्रेजेंट मोमेंट के अंदर जीने की कोशिश करना। पास्ट के अंदर जो हो चुका है उसको भूल जाओ, आने वाले टाइम के बारे में ज़्यादा मत सोचो, रहो अभी के टाइम के अंदर, और जो भी करना है वो अभी के अभी करो। अगर आपने सही किया सारा का सारा काम, देन आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छा होगा, और पास्ट में कुछ गलत हो चुका है तो उसको भूल जाओ, वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको आप बदल नहीं सकते हैं, बट बदल क्या कर सकते हो अभी के टाइम को, यानी कि प्रेजेंट टाइम को। सो उसको बदलो और अपना फ्यूचर को अच्छा बनाओ। और काफ़ी सारी दूसरी बातें भी करते हैं ऑथर्स बुक के अंदर, जो आप पढ़ेंगे तो पता चल ही जाएगा, द पावर ऑफ नाउ। यहाँ पे फोर्थ नंबर की बुक है ऑफकोर्स द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। नाम सुना होगा और मेरे हिसाब से कुछ लोगों ने पढ़ी भी होगी, बट नहीं पढ़ी है अब तक तो पढ़ लेना, काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी कुछ सिखाएगी हमारे माइंड के बारे में। तो अगर आपको समझना था हमारे माइंड को, हमारे थॉट्स को, तो इस बुक को पढ़ लेना, काफ़ी कुछ सिखाएगी आपको ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, हम क्यों सोचते हैं, हम क्यों करते हैं, वो सब कुछ इस बुक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और काफ़ी सरल भाषा के अंदर ऑथर ने आपको समझाया है ह्यूमन माइंड के बारे में, तो समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जो इंग्लिश से वो भी काफ़ी सिंपल हैं, तो वहाँ पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको करना क्या है, आपको बाय करना है और पढ़ना है। एंड स्टिल अगर आपको पढ़नी थी ये बुक आपकी रीजनल लैंग्वेज के अंदर, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। ये बुक ऑलमोस्ट सारी की सारी इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल गुजराती, मराठी, तमिल, मलयालम, पंजाबी के अंदर भी अवेलेबल है, सो पढ़ सकते हैं अगर आपको इंग्लिश में नहीं पढ़नी थी तो। यानी कि ऑफकोर्स द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाई डॉक्टर जोसेफ मर्फी। यहां पे पांचवें नंबर की बुक है ऑफकोर्स माइंड सेट, और ऑथर ने इस बुक के अंदर आपको यह बताया है कि माइंड सेट दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड माइंड सेट एंड ग्रोथ माइंड सेट। आपको पता होगा मैंने रिसेंटली बात की थी, फिक्स्ड माइंडसेट का मतलब क्या होता है, वो ज़्यादा सोचते नहीं हैं, वो रहना चाहते हैं अपने कंफर्ट जोन के अंदर। अगर वो जॉब कर रहे हैं तो एक ही जॉब करना चाहते हैं, दूसरी जॉब के अंदर जाना नहीं चाहते हैं, या फिर बिजनेस करना नहीं चाहते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाना नहीं चाहते हैं। और ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, वो जॉब को चेंज कर सकते हैं, वो बिजनेस कर सकते हैं, वो आगे के बारे में सोचते हैं, यानी कि ग्रोथ देखते हैं लाइफ के अंदर, ना कि एक ही जगह पर स्टक रह जाते हैं। और वही बात करते हैं ऑथर इस बुक के अंदर, और उसके अलावा भी काफ़ी सारी बातें हैं जो आपको पता चलेगी जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तब भी। और मैंने इस बुक को अभी रिसेंटली पढ़ा है, अराउंड एक महीने पहले, सारा ताज़ा ताज़ा नॉलेज है इस बुक का, सो पढ़ लेना। मेरे हिसाब से मैंने इसका वीडियो पोस्ट किया था YouTube के अंदर, सो वो भी देख लेना, अगर किया होगा तो यहाँ पे पॉपअप हो जाएगा, देख लेना अगर आपको इन डेप्थ में जानना था कि यार इस बुक के अंदर क्या है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी बुक है, निराश नहीं होंगे और काफ़ी कुछ सीखेंगे आपके बारे में, सो पढ़ लेना अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो। यहाँ पे सिक्स्थ नंबर की बुक है ऑफकोर्स हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अगर आपको सीखना था बातचीत करना तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, मेरे हिसाब से आपको काफ़ी पसंद आएगी, काफ़ी कुछ नया डिस्कवर करेंगे आपके बारे में, और आप ज़्यादा बातें कर पाएंगे लोगों के बीच के अंदर, यानी कि पब्लिक स्पीच के अंदर। ये बुक आपको काफ़ी हेल्प करेगी, आपको ये बताएगी कि आपको लोगों से कैसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, अगर आप आर्ग्यूमेंट के अंदर चले जाते हो तो उससे कैसे बाहर निकलना है, और लाइफ को कैसे फ्रीली जीना है, वो क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रही है, उसके अंदर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको फोकस करना है अपने आप पर। और लोग तो बोलते ही रहेंगे लाइफ के अंदर, उसके फोकस नहीं करना है। सो या स्पीच के बारे में है, पब्लिक अपीयरेंसेस के बारे में है, कि कैसे आप अच्छे बन सकते हैं लोगों के बीच के अंदर, एंड उसके अलावा भी काफ़ी सारी बातें हैं जो ऑथर बोलते हैं इस बुक के अंदर। सो पसंद आएगी मेरे हिसाब से आपको, सो पढ़ लेना अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है। यहाँ पे सातवें नंबर की बुक है ऑफकोर्स मैन सर्च फॉर अ मीनिंग, काइंड ऑफ नॉवल टाइप है, काफ़ी पुरानी बुक है और मेरे हिसाब से आपको पसंद आ सकती है, बिकॉज ऑफ ये है ह्यूमन की साइकोलॉजी के बारे में। जो ऑथर है वो वर्ल्ड वॉर के दौरान कैंप के अंदर थे, और कैंप के अंदर काफ़ी सारे लोग मरते हैं, या फिर कई लोगों के हाथ कट जाते हैं, पैर कट जाते हैं, कई लोग ऐसी बीमारी से जूझते रहते हैं, और उनका जो माइंड होता है वो ऑथर ने पढ़ा था वर्ल्ड वॉर के दौरान, और सारे के सारे थॉट्स थे ऑथर के वो टाइम के दौरान के, वो सारे के सारे इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। सो कुछ नया डिस्कवर कर पाएंगे ह्यूमंस के बारे में, यानी कि ऑफकोर्स मेरे बारे में, हम ह्यूमंस के बारे में। सो पढ़ सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, तो ये बुक आपको काफ़ी पसंद आएगी, काइंड ऑफ नॉवल टाइप है, काफ़ी पुरानी बुक है, सो मेरे हिसाब से पढ़ने का मज़ा आएगा, बिकॉज ऑफ जो पुरानी बुक्स होती है ना क्लासिक वाली, उसकी जो राइटिंग होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, मज़ा आता है पढ़ने का।
सो वो उनमें से ये हैं। और उसके अलावा भी एक दूसरी नॉवल है, पता नहीं मैंने क्यों इस सेल्फ हेल्प की कैटेगरी के अंदर ऐड किया, बट सेल्फ हेल्प की कैटेगरी के अंदर ऐड किया। सो ये है ऑफकोर्स टू किल अ मॉकिंग बर्ड। पता नहीं इसके अंदर मैंने क्यों डाला, ये काइंड ऑफ नॉवल थी, मैंने इसको पढ़ना शुरू नहीं किया बट मुझे अच्छी लगी थी सो मैंने ऑर्डर किया था अमेजोन के अंदर से। देखता हूँ उसके अंदर क्या है, कोई भी सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, काइंड ऑफ स्टोरी टाइप है, पता नहीं इसके अंदर क्या होगा बट नॉवल थी, काफ़ी पुरानी थी सो मैंने बाय किया है और देखता हूँ कि इसके अंदर क्या होगा। अगर आपने पढ़ी हो तो मुझे बताना कैसे लगी आपको, और नहीं पढ़ी है तो वेट करना वीडियो का, या फिर आप बाय भी कर सकते हैं, अच्छी बुक है। सो या टू किल अ मॉकिंग बर्ड, देखते हैं कैसी है। यहाँ पे 8वें नंबर की बुक है ऑफकोर्स हु विल क्राई वैन यू डाई, लाइक लिटरली उसके बारे में नहीं है बट ऑथर ने काफ़ी सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको समझाया है लाइफ की वैल्यू क्या होती है, यानी कि रॉबिन शर्मा ने। और इसके अंदर ऑलमोस्ट 101 चैप्टर्स हैं, यानी कि 101 चैप्टर्स हैं, सो पढ़ सकते हैं। और चैप्टर्स काफ़ी छोटू मोटू से हैं, अराउंड 1-2 पेजेस के हैं, सो आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़नी पड़ेगी, आप यहाँ से कोई भी चैप्टर ओपन कर सकते हैं, पेज ओपन कर सकते हैं और पढ़ना शुरू कर सकते हैं, कुछ नया निकल के आएगा। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये बुक मेरे हिसाब से जो अभी नए नए रीडर्स हैं ना, जिन लोगों ने अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किया है बुक्स को, यानी कि ये सारे के सारे बुक्स को, सेल्फ हेल्प बुक हो सकती हैं या फिर बिजनेस वाले बुक्स हो सकती हैं, तो उन लोगों को ये पसंद आ सकती है, बिकॉज ऑफ आपको बोर फील नहीं होगा, आपको स्टोरी को फॉलो करना नहीं पड़ेगा स्टार्टिंग से एंड तक, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं बीच के अंदर से, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है। सो पढ़ सकते हैं हु विल क्राई वैन यू डाई बाय रॉबिन शर्मा, छोटी बुक है, अच्छी बुक। यहाँ पे 9वें नंबर की बुक है ऑफकोर्स द ब्रेन, जो भी बोला है बोल सकते हैं, हमारे माइंड के बारे में है, ह्यूमन माइंड के बारे में है। अगर आपको समझना था हमारे माइंड को तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। इस बुक के अंदर कुछ क्वेश्चन हैं, उसके आंसर आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको रिसेंटली बताया था पढ़ के, बट फिर से बताता हूँ जिन लोगों ने नहीं देखा है प्रीवियस वाला वीडियो, वो मैं कौन हूँ, रियलिटी क्या है, मैं किसके कंट्रोल के अंदर हूँ, मैं कैसे चूज़ कर सकता हूँ, हम एंड के अंदर रहेंगे या फिर नहीं, वो सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे 11वें नंबर की बुक है ऑफकोर्स एटीट्यूड इज एवरीथिंग, लाइक लिटरली एटीट्यूड इज एवरीथिंग। अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, काफ़ी छोटी बुक है, अराउंड कितने पेजेस की पता है, 95 पेजेस की है, छोटी बुक है, और पढ़ते समय आपको बोर फील नहीं होगा बिकॉज ऑफ काइंड ऑफ डिफरेंट बुक है, आपको स्टोरी को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, सो पढ़ लेना। इसको मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था, देख सकते हैं यहाँ पे पूरी की पूरी ऐसी हो चुकी है, सो पढ़ लेना, आई थिंक आपका जो माइंड सेट है वो चेंज हो जाएगा इसको पढ़ने के बाद, अगर आपने सही तरीके से पढ़ा या फिर इस बुक को इम्प्लीमेंट किया आपकी लाइफ के अंदर तो, यानी कि ऑफकोर्स एटीट्यूड इज एवरीथिंग, लाइक लिटरली एटीट्यूड इज एवरीथिंग, पढ़ लेना। यहाँ पे 12वें नंबर की बुक है ऑफकोर्स हु मूव्ड माय चीज, मेरी चीज़ को किसने हटाया, पढ़ लेना। मैंने रिसेंटली इसका वीडियो अपलोड किया था, लाइक पूरी की पूरी स्टोरी, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वो वीडियो देख लेना, मेरे हिसाब से इस बुक का पूरा पूरा ज्ञान आप उस वीडियो के अंदर पा लेंगे, सो वीडियो देख लेना, काफ़ी छोटा वीडियो था बट मैंने सारा का सारा बताया था उस वीडियो के अंदर। काइंड ऑफ स्टोरी वाली बुक है बट उसके थ्रू आपको काफ़ी सारे लाइफ के लेसन ये बुक देगी, यानी कि ऑथर ऑफ कोर्स, सो पढ़ लेना। और उसका एक सेकंड पार्ट भी है जो मैंने ऑर्डर किया है, मुझे पता नहीं था कि इसका सेकंड पार्ट भी है तो मैंने इसको ऑर्डर किया है, आज या फिर कल आ जाएगा, अगर आ जाएगा तो पढ़ के मैं आपको बता ही दूंगा उस बुक के बारे में भी, यानी कि इसके सेकंड पार्ट के बारे में भी, बट तब तक के लिए ये बुक पढ़ लेना या फिर वीडियो देख लेना, मैंने यहाँ पे पॉपअप कर देना है या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा अगर आपको इसकी स्टोरी जाननी थी तो, या फिर ऑफकोर्स वेबसाइट पर जा सकते हैं bookistalk.com पे, वहाँ पर मैंने इसका आर्टिकल डाला था, सो उसके अंदर भी आप पढ़ सकते हैं इसकी स्टोरी। यहाँ पे 13वें नंबर की बुक है ऑफकोर्स ईगो इज एनिमी, मैंने इसको पढ़ा नहीं है, मैंने अभी रिसेंटली बाय किया इस बुक को बिकॉज अब काफ़ी सारे लोग मुझे रेकमेंड कर रहे थे कि यार पढ़ ले, सो मैंने इसको ऑर्डर किया है बट अब तक पढ़ा नहीं है, सो देखता हूँ इसके अंदर क्या होगा। बट ये भी आई थिंक सेल्फ हेल्प बुक ही है, ईगो के बारे में होगी कि घमंड कैसे नहीं करना है और आगे बढ़ना है लाइफ के अंदर, आई थिंक उसके बारे में ही होगी, सो देखते हैं क्या होगी, मैंने पढ़ा नहीं है, अगर आपने पढ़ी हो तो मुझे बताना कैसी है बुक, तो इसको मैं पढ़ूंगा जल्दी वरना थोड़े टाइम के बाद पढ़ूंगा, बताना कमेंट के अंदर अगर आपने पढ़ी है ईगो इज द एनिमी इन द कमेंट्स।
यहाँ पे अभी बात कर लेते हैं ऑफकोर्स द अल्केमिस्ट बुक के बारे में। नाम सुना होगा, पढ़ी भी होगी, बट अगर आप उन लोगों में से हैं जिन लोगों ने पढ़ी नहीं है तो पढ़ लेना, लाइफ चेंजिंग बुक है, लाइक लिटरली। मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था ऑफकोर्स काफ़ी टाइम पहले, बिकॉज अब इस बुक को भी मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, लाइक जब आप पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ते ही रहेंगे, पढ़ने के बाद ही साइड में रख देंगे। सो एक बार स्टार्ट की तो ख़त्म करके ही उठेंगे। सो पढ़ लेना, ये ऐसी बुक है, आई मीन पढ़ लेना, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अगर मैंने कुछ बताया तो पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा, बिकॉज अब स्टोरी है, स्टोरी का कुछ पता होगा तो फिर आगे क्यों पढ़ोगे। सो पढ़ लेना, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बट अगर आपने पढ़ी है तो बताना मुझे कि यार इस बुक से आपने क्या सीखा इन द कमेंट्स। मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, आपने क्या सीखा मुझे बताना कमेंट्स के अंदर। यहाँ पे 15वें नंबर की बुक है ऑफकोर्स द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। नाम सुना होगा बिकॉज अब काफ़ी पुरानी बुक है, एंड अब तक नहीं पढ़ी है तो क्या कर रहे हो यार, आप लोग पढ़ लो, काफ़ी अच्छी बुक है, हमारे थॉट्स के बारे में है, आपको काफ़ी कुछ सिखाएगी आपके बारे में, यानी कि ह्यूमन बॉडी के बारे में, ह्यूमन थॉट्स के बारे में, ह्यूमन माइंड्स के बारे में। सो पढ़ सकते हैं, आई थिंक आपको काफ़ी मजा आएगा। और मेरे हिसाब से मैंने इसका वीडियो शूट किया था और अपलोड भी किया था, राइट। सो अगर होगा तो देख लेना, अगर नहीं है तो बुक बाय करके पढ़ लेना, बिकॉज वो काफ़ी कुछ सिखाएगी आपके लाइफस्टाइल के बारे में, आपके थॉट्स के बारे में, आपके माइंड के बारे में, आपके बिहेवियर के बारे में। सो पढ़ लेना अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ा सोचो बड़ा करो। यहाँ पे 16वें नंबर की बुक है ऑफकोर्स वाई वी स्लीप बाय मैथ्यू वॉकर। किसके बारे में है, स्लीप के बारे में है। सो अगर आप क्यूरियस थे कि यार हम क्यों सोते हैं और हम हमारी आधी जिंदगी क्यों बिताते हैं सोते समय, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन है ना स्लीप के रिलेटेड, वो आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। सो पढ़ लेना, आई थिंक आई ओपनिंग बुक होगी स्लीप के बारे में। ऑफकोर्स वाई वी स्लीप बाय मैथ्यू वॉकर, वीडियो भी आया था हमारा, सो वो भी देख लेना। मोस्ट ऑफ द बुक्स के वीडियो मैंने बनाए हैं या फिर समरी बनाई है, सो वो देख लेना, इसी चैनल के अंदर होगा। आई थिंक काफ़ी अच्छी बुक है, मुझे इस बुक ने काफ़ी कुछ सिखाया है स्लीप के बारे में, लिटरली मुझे पता भी नहीं था कि कुछ एनिमल्स सोते भी नहीं हैं, ऐसा भी है, और हमको कितना घंटा सोना चाहिए, और अगर हम सर्टन आवर्स नहीं सोते हैं डेली तो क्या क्या हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर कुछ सालों के बाद, या फिर जब हम यू नो ओल्ड हो गए तभी। सो पढ़ लेना, काफ़ी कुछ सिखाया यार ह्यूमन बॉडी के बारे में, स्लीप के बारे में। मैथ्यू वॉकर ने काफ़ी सिंपल भाषा के अंदर समझाया है स्लीप के बारे में। सो अगर आप इंटरेस्टेड थे स्लीप के अंदर और होना चाहिए तो पढ़ लेना व्हाई वी स्लीप। नाउ यहाँ पे कौन सा नंबर चल रहा था मैं भूल गया हूँ बुक्स का, सो अगर होगा तो मैं यहाँ पे फ्लैश कर दूंगा, अगर नहीं होगा तो डायरेक्टली बात कर लेते हैं। ऑफ कोर्स थिंक एंड ग्रो रिच बुक के बारे में, आई थिंक ये बुक के अंदर आपको सारा का सारा मिल जाएगा ह्यूमन थॉट्स के बारे में, हम क्यों सोचते हैं और कितना सोचते हैं और हम क्यों 24 घंटे कुछ ना कुछ चटर पटर करते रहते हैं हमारे माइंड के अंदर, वो सब कुछ इस बुक के अंदर मिल जाएगा। लाइक थॉट्स के रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन है ना, इसके आंसर आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। और ये बुक काफ़ी पुरानी है और काफ़ी सारे लोगों ने पढ़ी भी है, और पढ़ी है तो दोबारा पढ़ना, अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना, क्या कर रहे हो यार, नाम सुना है तो पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़नी है तो वीडियो भी था हमारा, सो वो भी देख लेना और बुक भी पढ़ लेना, या फिर आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। मैं जल्दी लिखूंगा, अभी लाइव नहीं होगा वेबसाइट पे, बट आर्टिकल लिखने की कोशिश करूंगा, जो भी मैंने सीखा है या फिर जो भी लेसन्स मैंने अप्लाई किए मेरे लाइफ के अंदर इस बुक को पढ़ने के बाद, वो वेबसाइट के ऊपर आएगा। बट तब तक के लिए बाय करके पढ़ लेना अगर नहीं पढ़ी है तो। नाउ यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑफकोर्स द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफ बुक के बारे में, और ये बुक को हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए, मैटर नहीं करता है नाउ यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑफकोर्स द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफ, और ये बुक को हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए। काफ़ी सिंपल भाषा के अंदर आपको समझाया है कि लोगों से कैसे बच के रहना है। लोग काफ़ी सारी बातें करते हैं आपके बारे में, आपके काम के बारे में, आपके बॉडी के बारे में, आपके फेस के बारे में, आपके बिहेवियर के बारे में, उस पर कैसे ध्यान नहीं देना है, फोकस करना है आपके गोल्स पे, आपकी बॉडी पे, ना कि लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या कहेंगे, उस पर ध्यान देना, फोकस ऑन योर सेल्फ, वही बताती है ये बुक आपको सिंपल भाषा के अंदर। सो पढ़ लेना लाइफ के अंदर एक बार, हाईली रेकमेंड बाय मी, या फिर काफ़ी सारे लोगों ने भी रेकमेंड की है, पढ़ लेना काफ़ी कुछ सिखाएगी।
नाउ यहाँ पे बात कर लेते हैं लास्ट तीन बुक के बारे में, और काफ़ी छोटी मोटी सी हैं, सो सब कुछ कवर कर लेते हैं एक ही सेक्शन के अंदर। सो पहली बुक है ऑफ कोर्स मेगा लिविंग बाय रॉबिन शर्मा। चैलेंजेस दी है ऑथर ने 30 दिनों के लिए, जो आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, और उससे काफ़ी कुछ नया निकल के आएगा आपके अंदर से, बिकॉज आप चैलेंजेस लेंगे हैबिट्स को लेकर या फिर लाइफस्टाइल को लेकर, तो काफ़ी कुछ नया निकल के आता ही है, कुछ नया सीखेंगे आपके बारे में। सो पढ़ लेना अगर आप इंटरेस्टेड थे चैलेंजेस के अंदर, और कुछ थॉट्स भी ऑथर ने बताए इस बुक के अंदर। सो पढ़ लेना मेगा लिविंग बाय ऑफ कोर्स रॉबिन शर्मा। यहाँ पे ये वाली बुक है ना जिसका नाम है वेरोनिका डिसाइड्स टू डाई, और इस बुक के अंदर एक लड़की होती है और वो सुसाइड कर लेती है। उसके बाद वो पहुँचती है हॉस्पिटल के अंदर, और वहाँ पर जाने के बाद उसको पता चलता है कि वो मरी नहीं है, वो जिंदा है, बिकॉज ऑफ डॉक्टर्स उसे बचा लेते हैं। और उसके बाद उसकी ज़िंदगी कैसी होती है, वो कैसे डील करती है अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो सारा का सारा इस बुक के अंदर मिल जाएगा। यानी कि एक कैरेक्टर की ज़िंदगी है सुसाइड से बचने के बाद। सो काफ़ी कुछ सिखाएंगी कि यार क्या क्या होता है, लाइक पढ़ लेना, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। सो पढ़ लेना अगर आपको पढ़नी है तो। यहाँ पे ये वाली बुक है जिसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। इसको मैंने पढ़ा नहीं है, काफ़ी टाइम से मेरी यहाँ पे बुक सेल्फ के अंदर पड़ी है, बट पढ़ा नहीं है मैंने। बट फाइनली मेरे हिसाब से टाइम आ चुका है जब मैं इसको पढ़ना शुरू करूँ। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे रेकमेंड किया था कि यार पढ़ ले, एंड फाइनली टाइम आ चुका है। सो पढ़ूंगा जल्दी, मैंने इसके अराउंड 3-4 पेजेस पढ़े हैं और काफ़ी अच्छी लग रही है, और काफ़ी छोटी बुक है तो मेरे हिसाब से मैं एक दिन के अंदर ख़त्म कर ही लूँगा। सो पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि यार मुझे कैसे लगी ये बुक, यानी कि ऑफकोर्स द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। सो ये थी कुछ बुक्स, अराउंड 20 के ऊपर की बुक थी, सेल्फ हेल्प बुक्स। सो पढ़ लेना अगर आप इंटरेस्टेड थे अपने आप को चेंज करने के लिए, या फिर अगर आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है तो इनमें से कोई भी एक बुक पढ़ सकते हैं, या फिर सारे के सारे पढ़ लेना। और मैंने ये बुक एक दिन के अंदर नहीं पढ़ी है, काफ़ी सालों पहले पढ़ी थी, और अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो पढ़ लेना अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर बेहतर बनना चाहते हैं, तो 2022 के अंदर या फिर 23 के अंदर भी पढ़ सकते हैं, या फिर 24 के अंदर पढ़ सकते हैं, या फिर 2025 के अंदर भी पढ़ सकते हैं। जब कभी भी टाइम मिले, जब कभी भी आपको लगे कि यार अभी टाइम आ चुका है बुक पढ़ने का, तो पढ़ सकते हैं या फिर पिक कर सकते हैं इनमें से कोई भी बुक्स। यहाँ पे ये थी 50 बुक्स जो आपको पढ़नी चाहिए लाइफ के अंदर एक बार तो, और उनमें से मैंने कुछ बुक्स सिलेक्ट की है जो मैं आपको अभी रेकमेंड करने वाला हूँ। आपने देख लिया होगा, या फिर अगर आपने पूरा का पूरा वीडियो देखा है तो आपको पता होगा मैं कौन से बुक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर नहीं पता है या फिर पूरा का पूरा वीडियो नहीं देखा है, सो कुछ रेकमेंड करने वाला हूँ जो आप मेरे हिसाब से पढ़ लेना अगर आपको सारी की सारी नहीं पढ़नी है तो। सो पहली बुक है ऑफकोर्स, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, पहली बुक है ऑफकोर्स ऑटोमिक हैबिट। ज़्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज पहले से ही बात कर ली है, सो पढ़ लेना ऑटोमिक हैबिट है। दूसरी बुक है रिवर्क, बिजनेस के बारे में है, मैनेजमेंट के बारे में है, सो पढ़ लेना अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो। थर्ड बुक है ऑफकोर्स द साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसे के पीछे का ज्ञान, पैसे को मैनेज करना है, पैसे को समझना है, ये बुक आपको काफ़ी हेल्प करेगी। और ये वाले बुक नवल रविकांत, मस्ट रीड है, पढ़ लेना अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो। एंड 4 हो गई, ये है पांचवी बुक थिंक एंड ग्रो रिच। आई थिंक काफ़ी कुछ सीखा, ये बुक आपको ए टू जेड होगा थॉट से लेके सर का सर। सो पढ़ लेना थिंक एंड ग्रो रिच। एंड 6 नंबर की बुक है द अल्केमिस्ट, काफ़ी ब्यूटीफुल स्टोरी है, काफ़ी अच्छी तरीके से ऑथर ने आपको लाइफ के लेसन्स दिए हैं, सो पढ़ लेना अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो। 5 हो गई, 6 हो गई, ये रही 7वीं बुक, आई थिंक अब रिसेंटली बात की है, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफ, पढ़ लेना अगर नहीं पढ़ी है तो, काफ़ी कुछ सिखाएगी लाइफ के बारे में। एंड लास्ट बट नॉट द लेस्ट, काइंड ऑफ मेरी फेवरेट है, दैट्स व्हाई मैंने ऐड की है, द मंक हू सोल्ड हिज फरारी, स्टोरी टेलिंग वाली बुक है बट काफ़ी अच्छी स्टोरी है। आप पढ़ते पढ़ते यू नो आई मीन मजा आएगा, ज़्यादा बंद नहीं करूँगा, अगर बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा और पहले से काफ़ी लंबा वीडियो है। सो पढ़ लेना द मंक हू सोल्ड हिज फरारी बाय ऑफकोर्स Another than रॉबिन शर्मा, काफ़ी पुरानी बुक है yet काफ़ी मजा आएगा पढ़ते समय। सो ये थी कुछ 50 बुक्स, और वीडियो काफ़ी लंबा है, ऑफकोर्स 1 घंटे का हो गया होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो थोड़ा सा मैंने कट किया होगा, दैट्स व्हाई नहीं हुआ होगा, अगर हुआ होगा तो फिर देख लेना क्या ही करोगे दूसरा। और अगर आपको इनमें से कोई भी बुक्स बाय करनी थी या फिर चेक करनी थी कैसी है, देन आप लिंक चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर, और वहाँ से आप बाय कर सकते हैं, और अगर आप बाय करते हैं तो थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा हमारे इस चैनल का, और आप हेल्प करेंगे लाइक
दूसरा मैं क्या ही बोल सकता हूँ, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बाय कर लेना, वरना क्या कर सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं bookstock.com को, और वहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सारी की सारी बुक्स की समरी अपलोड की है या फिर मैंने लिखी है खुद से, मैंने कुछ जो लेसन्स लिए थे सारे के सारे बुक से, वो मेरा एक्सपीरियंस या फिर बुक की स्टोरी, वो सारे का सारा मिल जाएगा। सो फ्री के अंदर आप पढ़ पाएंगे हमारी वेबसाइट पे bookstock.com पे, और बताना कि वेबसाइट कैसे लगी, अभी रिसेंटली लॉन्च की है सो बताना कैसे लगी। सो विजिट कर लेना वेबसाइट को भी, और लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। एंड ऑफकोर्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो क्या करना है, लाइक करके जाना, अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करके जाना, बट मुझे बताना इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि यार वीडियो क्यों पसंद नहीं आया, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इम्प्रूव करेंगे फॉर श्योर। सो कमेंट करना कि वीडियो क्यों पसंद नहीं आया अगर डिसलाइक करके जाते हो, तो अगर लाइक करके भी जाते हो तो बताना मुझे कि यार क्या क्या अच्छा लगा, या फिर कौन से बुक्स आपने पढ़ी हैं अब तक, या फिर कौन से आप पढ़ना चाहेंगे आने वाले टाइम के अंदर। एंड सबको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करके जाना अगर वीडियो पसंद आया है तो, या फिर अगर आप अब तक देख रहे थे वीडियो को तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर किया है तो फिर दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं किया तो करके जाना। सो यस, अभी हम आ चुके हैं वीडियो के एंड के अंदर, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एज ऑलवेज, एंड मिलते हैं आपको एक अगले वीडियो के अंदर, तब तक ले बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ फ्रिकिंग ग्रेट ईयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। एंड लास्ट के अंदर हम बोलते हैं हर वीडियो के अंदर, अभी भी बोल दूंगा कि यार लाइफ एक बार मिली है, कल क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है, सो जो भी आपका गोल्स है या फिर जो भी आपको करना था लाइफ के अंदर, उसके अंदर आप आज से ही वर्क करना शुरू कर दो, कल क्या होगा किसी को पता नहीं, स्टार्ट राइट नाउ, जो भी करना है वो, आई होप आप जो भी कर रहे हैं इसके अंदर आप सक्सेस पा लें, यही कहूँगा, दूसरा मैं क्या ही बोल सकता हूँ। सो बाय बाय, हैव अ ग्रेट।